गुड आफ्टरनून पिला माने मु प्रीति नूतन टेटे सरकारी प्राथमिक विद्यालय टिकलीपड़ा ब्लॉक कुत्रा षष्ठ श्रेणी रे अध्ययन करूथवा समस्त छात्र छात्री मानंकु स्वागत एवं गाय टीचर मानंकु मोर नमस्कार। पिला माने आमे आमो चतुर्पाश्व रे विभिन्न प्रकार जिनिस सब देखी थाउ से मधरे माटी पानी पवन जीवजंतु गच्छलता ए सब अबे जिनिस सब देखी थाउ ताले पिला माने एई सब जिनिस बा उपादान सब को भित्ति करी आम पृथ्वी को विभिन्न श्रेणी रे विभक्त करा जाय छि। ताले आमे केउ केउ सब श्रेणी रे विभक्त करा जाय छि से विषय को जानिबा पई आज आमे पढ़िबा आम भूगोल बहीर पंचम अध्याय पृथ्वीर मंडल समूह। ताले पिला माने चालो आमे स्मार्ट बोर्ड पाख को जाई कि आमे आम पाठ को आग को पढ़िबा। ताले पिला माने आमे पाठ को पढ़िबा पूर्वरु आमे पूर्व पाठर आलोचना टिके करिबा। आमे आमर प्रथम अध्याय रे पढ़िथिले आमे पृथ्वी और सौरजगत आम सौरजगत आम सूर्य हूँ मुख्य एवं आम सौरजगत आम आठटी ग्रह अनेक उपग्रह ग्रह नक्षत्र नक्षत्र ग्रहाणुपुंज एवं धूमकेतु एसब रही पाने आठटी ग्रह जो अच्छा आठटी ग्रह मध्य आम पृथ्वी को छाड़देले बाकी जो सातटी ग्रह सब अच्छा से आम जीवजगत केवल आम पृथ्वी ही आम जीव जगत सृष्टि हो पड़ी। ताले आम पृथ्वी रे काहीकि आमर जीव जगत सृष्टि हो पारी आम जीव आम पृथ्वी रे आमर पानी माटी पवन एवं आलोक मिलुथिबारु आम पृथ्वी रे जीव जगत सृष्टि हो पारी। ताहले आमर गोटे प्रश्न अच्छी पृथ्वी रे जीव जगत काहीकि सृष्टि रही आम पृथ्वी रे माटी अच्छी पानी अच्छी पवन अच्छी उत्ताप अच्छी एवं एही चारोटी उपादान आम जीवन सृष्टि सृष्टि पाई आमको नितांत दरकार एवं आमर दैनंदिन जीवन पाई ए चारोटी उपादान आमको नितांत आवश्यक तेणु आम जीव जगत सृष्टि हो पारी। माटी रे आमे कौन माटी रे आमे घर द्वार चाष कार्य सब करूचे पानी को आम पीवाई नित्य व्यवहार पाई आम व्यवहार करूचे सेमती पवन को आम निश्वास प्रश्वास करने आम पवन व्यवहार करूचे एवं उत्ताप व आलोक आम को चल प्रचल करने सहित विभिन्न गच्छलता सब को आम बढ़ापी आम को उत्ताप व आलोक दरकार हो ताहले आमर मुख्य उपादान होउछि आम माटी पानी पवन एवं उत्ताप। ताहले पिला माने एही चारोटी उपादान को भित्ति करी आम पृथ्वी को चारि गोटे विभक्त करा जैछि से सब गुड़ी कहला माटी 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 को आमर अश्ममंडल करा जैछि पवन आमे वायु पवन जो आमे देखुचे ताकु आमे वायुमंडल कही थाओ पानी पानी को आम वायुमंडल रे विभक्त करा जी एवं जीव जगत प्राणी जगत एवं उद्भिद जगत ए सब को आम कौन जैव मंडल कहा जाए। चित्र रे देखो पिला माने ए चित्र रे मु भल भाव रे चित्र आंकी देछि एवं याकु देखि तमे मने रखी पारिबो आम अश्ममंडल अश्ममंडल कहिले जीव जगतर चलप्रचल आदि कार्य पाई आवश्यक कठिन शिला बा मृत्तिका स्तर को आम अश्ममंडल कही थाउ आम जो चलाबुला करूछु आम चाष कार्य करूछु आम जो खेलुछु ए सब हूँ आम अश्ममंडल अंतर्भुक्त सेमती आम समुद्र समुद्र तल रे भी आम किसी कठिन शिला अच्छी सेटा भी आम अश्ममंडल कही परिबा नदीर जो तल अच्छी सेटा भी आम अश्ममंडल पोखरी तले जो कठिन शिला अच्छी सेटा भी आम अश्ममंडल सेमती पर्वत पड़िया खेत टांगरा भूई ए सब हूँ आम अश्ममंडल अंतर्भुक्त। पिला माने वायुमंडल पृथ्वी को तार चतुर्पाश्वरे एक वायुमंडल घेरी रही एथिरे आम श्वासक्रिया अम्लजान ता व्यतीत जबक्षाजान ओ अंगारगम्ल गैस पाई आम पृथ्वी तार चतुर्पाश्वरे आम अश्ममंडल को छाड़ी देले अश्ममंडल ता ऊपर माने भू
पृष्ठर ऊपर को आमे जेते ऊपर को जीवा आमे वायु रो स्तर आमे पाई परिबा तो आमे जो पृथ्वी को पूरा जो मंडल घरे रही छि ताको आमे कहिबा वायु मंडल एवं आम वायु मंडल रे अछि आमर अम्लजान जवक्षारजान अंगारकाम्ल गैस आमे अम्लजान आमको निश्वास प्रसारे आमको सहाय्य करिथाय सहित अंगारकाम्ल अंगारकाम्ल गछ को खाद्य प्रस्तुत करिबारे सहाय्य करिथाय तो ए सब बहुत गुरुत्वपूर्ण गैस सब आम पृथ्वी रही वायुमंडल रही सब गैस गैस जदि न रहता पृथ्वी रे ताहले आम जीव जगत सृष्टि हो न पारंता यह भूपृष्ठ रु प्राय 1600 किलोमीटर उच्चता पर्यंत विस्तृत जो आम पृथ्वी को वायुमंडल घेरी रही उच्चता 1600 किलोमीटर पर्यंत ताहले आम जो वायुमंडल आम देखु से वायुमंडल तापमात्रा चाप एवं घनत्व सबुठारे समान नाही ताले ए चाप तापमात्रा ए सब को भित्ति करी यार पार्थक्य आम जिते ऊपर को जीवा आम भूपृष्ठ रु जिते ऊपर को जीवा सेतिके आम मानक मधेरे पार्थक्य देखि परिबा एवं ए सब रु पार्थक्य को भित्ति करी आम पृथ्वी को विभिन्न स्तर रे विभक्त करा जाय छी खाले पिलाने से स्तर सब कौन अच्छी देख ल प्रथम अच्छी आमर प्रोपोस्फियर ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर आम जो पृथ्वी पृष्ठ रु जो 1600 किलोमीटर उच्चता जो वायुमंडल घेरी रही आम पांचटी स्तर से आम विभक्त कर सब कौन प्रोपोस्फियर ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एवं एक्सोस्फियर तो पृथ्वी पृष्ठ को लागी रही स्तर टी आम ट्रोपोस्फियर एवं सबुठारु शेष बा सबुठारु शेष रे अछि आमर एक्सोस्फियर ताले आमे एक्सोस्फियर रे आमको अधिक गरम लागिवो सेथिरे आमर वायुमंडल रो घनत्व कम अछि आम ट्रोपोस्फियर रे आमे कोन सब पाई थबो धूलि कणा जलीय बाष्प एवं विभिन्न प्रकार गैस जेपरी अंगारकाम्ल गैस अम्लजान जवक्षारजान ए सब आम गैस आम ट्रोपोस्फियर रे ही पाई थाउ आमे वायुमंडल भूपृष्ठ रो प्राय 3/4 जलभाग द्वारा बेसित आम पृथ्वी 3/4 जलभाग द्वारा बेसित अर्थात आम जदि एटा जदि आमर पृथ्वी हुए तबे आमे जदि पृथ्वी को जदि चारि भाग करिबा हेले गोटिए भाग होउछि आमर स्थल भाग गोटिए भाग होउछि आमर स्थल भाग एवं जो तीनि भाग रहला एटे आमर जल भाग अर्थात चारि भाग रो एक भाग होउछि आमर स्थल भाग एवं चारि भाग रो तीनि भाग होउछि आमर जल भाग हेले बे आम पृथ्वी रे जल भाग 3/4 थिले मध्य आमको जलर अभाव होइथाय काहीकि ना आमर जो जल अछि अधिक मात्रा रे आम समुद्र रे रहिछि समुद्र रो पानी नुणिया सेति पई आमे ताकु प्रयोग करि पारिबा नै एवं मधुर जल जोटा आम पीबा पई आमको दरकार सेति सेही जलर मात्रा बहुत कम तले पिला माने जीव जगत रो जीवन धारणा पई आवश्यक जल भूपृष्ठ रो विभिन्न उत्सरु संग्रह करा जे जथा नलकूप पोखरी नदी इत्यादि आमे निज जीव जगत जीवन अर्थात आम जीवाई आम बचापी आम जल जल भूपृष्ठ विभिन्न उत्सर पाई आम कौठार पा पी थो आम कौठ पीवाई पाई नलकूप कूप पोखरी नदी ए सबुर आम निजर दैनन्दिन जी आमको जल दरकार ए सब उत्सर आम जल पाई भस्म मंडल जैव मंडल भस्म मंडल वायुमंडल वायुमंडल उपादान गुड़ी को आधार करी अन्य एक गुरुत्वपूर्ण मंडल आम भूपृष्ठ रे सृष्टि रही है जैव मंडल भस्म मंडल वायुमंडल वायुमंडल ए सब आम विषय किसी मात्रा रे जानिले तो ये तीन मंडल को आधार करी आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण मंडल हूँ जैव मंडल ताले जैव मंडल कहिले पिला माने प्राणी जगत और उद्भिद जगत
आम गछ लता ये सब सहित प्राणी जगत जीव जंतु ये सब को आम नहीं जीव मंडल जैव मंडल बोली था। मंडल अन्य तीन मंडल उपर संपूर्ण रूपे निर्भरशील मंडल अर्थात जैव मंडल अश्म मंडल वायुमंडल वारिमंडल तीन मंडल उपर संपूर्ण भाव निर्भरशील। अश्म मंडल आम घर द्वार करने चलाबुला करने चाषवास करने निर्भरशील होता है। वायुमंडल आम निश्वास प्रश्वास करने वायु सब आमको दरकार वायुमंडल आमको चाष कम पीवाई आमको दरकार बा नितांत आवश्यक। तेणु यही तीन मंडल उपर आम जैव मंडल बा प्राणी जगत एवं उद्भिद जगत निर्भरशील। यही चारि गोटी मंडल को सामग्रिक भाव भूमंडल कहुए ताल पाने वायुमंडल अश्म मंडल जैव मंडल एवं वायुमंडल यही चारोटी मंडल को आम सामग्रिक भाव भूमंडल बोली कही था। जदि यही चारि मंडल भीतर जदि गोटे मंडल को आम बाद देबा बा छाड़ी देबा आउ तीन मंडल को आम भूमंडल कही पारिबा नाही आम को वायुमंडल जैव मंडल अश्म मंडल वारिमंडल यही चारि गोटी मंडल को ही आम भूमंडल कही पारिबा एवं यही चारि मंडल परस्पर सहित संपृक्त बा परस्पर सहित निर्भर थिल। आम अश्म मंडल को टिके संपूर्ण भाव टिके विस्तारित भाव पढ़ा पृथ्वीर अश्म मंडल भूत्वक विभिन्न शिला मृत्तिका स्तर को नहीं गठित मुझे आगर कही आम अश्म मंडल आम पहाड़ पड़िया पर्वत समुद्र तल नदी तल पोखरी तल जिते भी आम कठिन शिला अच्छी से सब कु नहीं आम अश्म मंडल गठित एवं भूपृष्ठ को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जाइछि। आम जो भूपृष्ठ एटा हेउछि आमर पृथ्वी भूपृष्ठ माने आम जो बसवास करूचे आम मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करछे अर्थात पृथ्वी को आम दुई भाग में विभक्त करछे गोटे हैला आमर स्थल भाग एवं गोटे हैला जल भाग। एटा आम पृथ्वी मानचित्र देखुचे पृथ्वीर एक भाग आम स्थल भाग बोली कही थिले तो एटा देखो ए जो ब्राउन कलर रो बा माटिया कलर देखा जाउछि ए सब होउछि आमर स्थल भाग। तापर जो नील कलर देखा जाउछि एटा हला आमर जल भाग बा महासागर सब ताले आम भूपृष्ठ बा पृथ्वी को आमर दुई भाग रे व्यक्त करा जाइछि गोटी हला आम स्थल भाग अन्यटी हला आमर जल भाग। स्थल भाग को महादेश एवं जल भाग को महासागर रूपे नामित करें पे जो आम स्थल भाग देखिले ये देखा देख सबुज कलर एटा को आम कौन कह महादेश स्थल भाग को आम महादेश कहवा सेमती आम नील कलर जो अच्छी जल भाग जो अच्छी ताकू आम महासागर रूपे आम जानी था। पाने स्थल भाग को आमर मुख्यतः सात की महासागर महादेश विभक्त करतोटी सात की महासागर महादेश पाने जाना आम कौ कौ जो सात की महादेश विभक्त कर सात की महादेश सब कौन कौन तेल पाने सात की महादेश मध्य हूँ एशिया ये हूँ एशिया आम आम महादेश नाम कौन आम जो देश आम भारत बसवास करे तो आम भारत देश आमर एशिया महादेश अवस्थित एटा आमर एशिया महादेश एटा हैला आमर यूरोप आफ्रिका नॉर्थ अमेरिका बाताकू आमे ओडिया रे कहिबा उत्तर अमेरिका साउथ अमेरिका बाताकू दक्षिण अमेरिका कहिबा तापरे एटा उची आमर ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका ए सातोटी महासागर आम जो स्थल भाग रहिला से स्थल भाग को आम सातटी महादेश विभक्त करा दिथि सही सातटी महादेश सब हैमर एशिया यूरोप आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका दक्षिण अमेरिका एवं उत्तर अमेरिका सहीपरी आम जल भाग को एशिया आफ्रिका यूरोप उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया
ସେହିପରି ଆମର ଜଳଭାଗକୁ ଚାରିଟି ମହାସାଗରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଦେଖ ପିଲା ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବା କୋଉ କୋଉଠି ମହାସାଗର ସବୁ କୋଉ କୋଉଠି ଅଛି। ଏଇଠି ଆମର ହଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସୁମେରୁ ମହାସାଗର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗରଟା ଆମ ଭାରତର ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଭାରତ ମହାସାଗର ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ହେଲା ଆମ ଆମ ଯୋଉ ଜଳଭାଗ ଅଛି ତାକୁ ଚାରୋଟି ମହାସାଗର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେସବୁ ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଏଇ ଚାରୋଟି ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମହାସାଗରର ଜଳସ୍ତର ସବୁଠାରେ ସମାନ ଥାଏ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ହିସାବ କରାଯାଏ। ଆମ ମହାସାଗର ଯୋଉ ଜଳସ୍ତର ଅଛି ସେଟା ସବୁ 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 ଜାଗାରେ ସେଟା ସମାନ, ତେଣୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ମାପିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ମାପିଥାଉ। ହେଲା ସମୁଦ୍ର ପତନ, ଏହାଠାରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତା ମାପି ପାରିବା। ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା 8848। ଆମ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଅଛି ଏଭରେଷ୍ଟ, ତାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 8848। ଆଉ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି ସେଟା ଆମ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 8848। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାତାକୁ ମାରିଆନା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଗଭୀରତା 11,022 ମିଟର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର। ତ ଆମ ସେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାରିଆନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଖାତ ଅଛି ଯାହାର ଗଭୀରତା 11,022 ମିଟର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ମାରିଆନା ଖାତ ଅଛି ଏଇ ମାରିଆନା ଖାତରେ ଆମର ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଆଣି ଯଦି ଆମେ ମାରିଆନା ଖାତରେ ଯଦି ଢାଲିଦେବା ବା ପୋତିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମାରିଆନା ଖାତରେ ପଶିଯିବ ବା ବୁଡ଼ିଯିବ, ସେତିକି ଗଭୀର ଆମର ମାରିଆନା ଖାତ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆମର ମାନଚିତ୍ର ବା ଗ୍ଲୋବରେ ଗୋଟେ ମଝି ଅଂଶରେ ଗୋଟେ ଆମର ବିଷୁବ ରେଖା ଅଛି, ସେ ବିଷୁବ ରେଖାରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କହିଥାଉ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କହିଥାଉ। ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବିଷୁବ ରେଖା ବା ବୃତ୍ତ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଆମେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଧିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କଣ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକାର ଅଧା ଅଂଶ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କିଛି ଅଂଶ, ଏସବୁ ସବୁ ଆମ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆମେ ସ୍ଥଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କହିଥାଉ। ସେମିତି ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ତଳକୁ ବା ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମ ଜଳଭାଗ ଅଧିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବା ଦକ୍ଷିଣ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମେରିକା ଅଛି, ତାପରେ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଂଶ ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଛି ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର କିଛି ଅଂଶ। ତ ଏତିକି ମହାଦେଶର କିଛି ଅଂଶ ଆମର କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ଜଳଭାଗ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ ଜଳ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଠଟିକୁ ପଢିବା ତାର ସାରାଂଶ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଜୀବଜଗତର ଚଳପ୍ରଚଳ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ କଠିନ ଶିଳା ବା ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଅସମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ ଯୋଉ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛେ, ତାପରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଖେଳୁଛେ, ବୁଲୁଛେ, ତ ଏସବୁ ଆମେ କୋଉଠି ଆମେ
भूपृष्ठरे करूचे बा आमको गोटे कठिन शिला आवश्यक तो यह आम अश्ममंडल कही था। पृथ्वीर चतुर्पाश्वर एक वायुमंडल घेरी रही आम पृथ्वीर चतुर्पाश्वर गोटे वायुमंडल घेरी रही आम कौन वायुमंडल कही था। पृथ्वीर प्राय चारि भाग रु तीन भाग जल द्वारा आच्छादित यह वायुमंडल कही था। पृथ्वी चारि भाग रु तीन भाग केवल जल द्वारा आच्छादित आम वायुमंडल बोली कही था। अश्ममंडल वायुमंडल वायुमंडल उपादान गुड़ी आधार कर जैव मंडल गठित अश्ममंडल वायुमंडल ता सहित वायुमंडल यही तीन गोटी उपादान को आधार कर आम जैव मंडल गठित होते। पृथ्वी सात महादेश और समुद्र तल को नहीं अश्ममंडल गठित आमर जो अश्ममंडल से पृथ्वीर सात महादेश ता सहित समुद्र तल को नहीं अश्ममंडल गठित। पृथ्वीर सात महादेश गुड़िकर नाम है एशिया आफ्रिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका आंटार्क्टिका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सात महादेश आम पृथ्वी में अवस्थित आम पृथ्वीर सात महादेश सबू है एशिया आफ्रिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका आंटार्क्टिका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया पाने आम कौ महादेश अच्छी आम एशिया महादेश बसवास करुचे। सेपरी पृथ्वीर चारिटी महासागर नाम है प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर सुमेरु महासागर और भारत महासागर। विभिन्न स्थान उच्चता समुद्र पतन ठार हिसाब कर समुद्र बा महासागर जलस्तर सबुठे समान तेणु विभिन्न स्थान उच्चता मापापी आम समुद्र पतन ठार हिसाब कर पृथ्वीर सर्वोच्च गिरीशृंग एवरेस्ट उच्चता 8848 मीटर आम जो एवरेस्ट श्रृंग अच्छी तार उच्चता हूँ 8848। प्रशांत महासागर में थी सामुद्रिक खाता को आम मारियाना बोली कही था यार गभीरता हूँ 11022 मीटर। उत्तर गोलार्ध में अधिक स्थल भाग थी आम यह स्थल गोलार्ध कही था। दक्षिण गोलार्ध में अधिक जल भाग थी आम जल गोलार्ध बोली कही था। पिला मैंने पाठटी को भल भाव बुझीछ बोली मोर आशा ताले एबे जीवा आमे मूल्यान पाख को केते दूर बुझीछ तार ताको एबे आमे एटी परीक्षा करिबा स्थान पूरण कर। पृथ्वी को चतुर्पाश्वरे डैश मंडल घेरी रही छि चतुर्पाश्वरे डैश मंडल घेरी रही छि हाँ भेरी गुड वायुमंडल घेरी रही पृथ्वी को चतुर्पाश्वरे वायुमंडल घेरी रही पृथ्वीर गभीरतम खात डैश महासागर अवस्थित आम जो पृथ्वीर गभीरतम खात अच्छी से क्यों महासागर अवस्थित बा डैश महासागर अवस्थित प्रशांत महासागर। वेरी गुड प्रशांत महासागर। पृथ्वीर उच्चतम श्रृंग डैश अटे एवरेस्ट। वेरी गुड पृथ्वीर चारि गोटी मंडल समूह को सामग्रिक भाव डैश कहा जाए चारि गोटी मंडल समूह को सामग्रिक भाव डैश कहा जाए मुख्य मंडल समूह भूमंडल कहा जाए। पृथ्वीर चारि गोटी मंडल समूह को सामग्रिक भाव भूमंडल कहा जाए कौनसी स्थान उच्चता डैश ठार हिसाब करा जाए कौठार आम हिसाब कर स्थान रि उच्चता मापाई आमको जदि दरकार ताले आमे कौठार आमे मापी थाउ बा कौठार हिसाब करि थाउ समुद्र पतन हला काई कि ना आमो समुद्र माने महासागर रो जलस्तर सबुठार समान सेति पाई आमे समुद्र पतन थारु आमे हिसाब करि थाउ। भूपृष्ठ रो प्राय डैश अंश जल द्वारा घेरी रहिछि भूपृष्ठ प्राय केते अंश जल द्वारा घेरी रही थी तीन भाग चारि भाग रु एक भाग बा तीन
चतुर्थांश वेरी गुड गोटे बा दुईटी वाक्य रे उत्तर देव हला प्लान ने पृथ्वी को केतोटी मंडल रे विभक्त करा दी छी ओ से गुड़ी कर नाम कण कण पृथ्वी को केतोटी मंडल रे विभक्त करा दी छी से गुड़ी कर नाम पृथ्वी को चारि गोटी मंडल विभक्त चारि मंडल विभक्त को आजी तांको नाम को अस्म मंडल वायुमंडल बारिमंडल अस्म मंडल बारिमंडल वायुमंडल देवमंडल आम जो पृथ्वी को आम चार गोटी मंडल विभक्त करी थाउ तो सेमानकर नाम होला अस्म मंडल वायुमंडल बारिमंडल एवं जैवमंडल पृथ्वी रो केऊ केऊ महादेश संपूर्ण दक्षिण गोलार्ध रे अवस्थित आम पढ़ले आम पृथ्वी मानचित्र देखिले ताहले केऊ केऊ देश बा केऊ केऊ महादेश आम दक्षिण गोलार्ध रे संपूर्ण भाव रे अवस्थित दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हाँ दक्षिण अमेरिका ने अंटार्कटिका हेबो अंटार्कटिका हेबो एवं ऑस्ट्रेलिया हेबो दक्षिण अमेरिका रो किछि अंश हमर उत्तर गोलार्ध रे रही जाय छी अंटार्कटिका हमर पूरा दक्षिण गोलार्ध पास रे अछि एवं ऑस्ट्रेलिया हमर संपूर्ण रूपे हमर दक्षिण गोलार्ध रे अछि वेरी गुड काहे के पृथ्वी रो उत्तर गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाए काहे के आमे पृथ्वी रो उत्तर गोलार्ध को स्थल गोलार्ध बोली कहि थाउ अधिकांश स्थल भाग एही गोलार्ध रे अवस्थित है पे वायुमंडल अम्लजान व्यतीत केउ केउ गैस रही जबक्षाजान अंगारकाम्ल अम्लजान केतेक बाष्पर मिश्रण रे वायुमंडल गठित होई वायुमंडल अम्लजान व्यतीत आउ आमर अंगारकाम्ल अच्छी ता सहित जबक्षाजान गैस अच्छी वेरी गुड मारियाना खातर गभीरता केते मीटर आमे पढ़िले ताले पिला माने मारियाना खातर गभीरता केते मीटर अछि 11022 मीटर 11022 मीटर वेरी गुड वेरी गुड पृथ्वी रे महादेश गुड़ी कर संख्या केते से गुड़ी कर नाम कह पृथ्वी रे केतोटी महादेश अछि एवं से गुड़ी कर नाम कोन कोन चारिट महासागर अच्छे और से गुड़ी का नाम प्रशांत महासागर अंटार्कटिका महादेश गुड़ी का नाम को पचारिले महादेश गुड़ी का सात टी महादेश अच्छे तार नाम है एशिया अफ्रीका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वेरी गुड सही पर आंसर तो बोलना भूपृष्ठ रु क्रम अनुसार वायुमंडल विभिन्न स्तर नाम कह आम भूपृष्ठ रु ऊपर को पांचटी स्तर विभक्त स्तर गुड़ी कर नाम कह भूपृष्ठ रु क्रम अनुसार वायुमंडल थर्मोस्फीयर प्रथम स्ट्रोपोस्फीयर तापरे स्ट्रैटोस्फीयर स्ट्रैटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर थर्मोस्फीयर एटा भूल थर्मोस्फीयर एवं एक्सोस्फीयर यही पांचटी स्तर आम भूपृष्ठ को लगी ऊपर को आम यही अनुसार आम क्रम अनुसार जीवा पृथ्वी रे केतोटी महासागर अच्छी से गुड़िकर नाम कण कण पृथ्वी रे केतोटी महासागर अच्छी चारटी से गुड़िकर नाम प्रशांत महासागर अंटार्कटिक महासागर भारत महासागर एवं सुमेरु महासागर पृथ्वी रे चारटी महासागर अछि प्रशांत महासागर वेरी गुड पृथ्वी रे चारटी महासागर अछि सेगुडी कर नाम हला प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर भारत महासागर एवं सुमेरु महासागर पृथ्वी रा सर्वोच्च गिरिश्रृंगर उच्चता केते मीटर जो आमे एवरेस्ट होछि हमरो कोन
सर्वोच्च गिरीशृंग 8848 मीटर। वेरी गुड, 8848 मीटर। ताले पिला माने तमे माने पाठ को भलो भाबरे बुझिलो एवं सब प्रश्न उत्तर भलो भाबरे देथिबारु तमको धन्यवाद। ताले तमो पई गोटे गृह कार्य पृथ्वी रा चित्र अंकन करी तही रे महादेश एवं महासागर गुडी करा नाम को दर्शाए। ताले पिला माने आज रो क्लास रे समस्त भलो भाबरे रेस्पोंस करथिबारु बा उत्तर देथिबारु तुम समस्त को धन्यवाद एवं आशा करू छी तमे भाबरे तमे माने आगो को भलो भाबरे ही पढ़िबो भलो पढ़िबो। मु रहौ छी।